प्रणाम। शनिवार के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चंद्रमा यानी चंद्र साधना के बारे में। हमारी कुंडली में चंद्र का स्थान बहुत ही अग्रह माना गया है, यानी जिसका अपना ही एक महत्व है। तो कुंडली में चंद्रमा का स्थान क्या निर्देश करता है? अगर हमारा चंद्र मजबूत है तो हमारी मानसिक परिस्थिति, हमारा मन काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी हम शांत होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के कुंडली में चंद्र ये ग्रह थोड़े नीचे स्थान पे होते हैं, जिससे होता ये है कि वो व्यक्ति मानसिक तौर पे पीड़ित रहता है, यानी हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन्स रहते हैं, मन थोड़ा अशांत रहता है, घर में उनकी बीमारियाँ चलती है। अगर चंद्र का स्थान थोड़ा नीचा है तो जो व्यक्ति है उसकी माँ को शायद बीमारी हो सकती है, यानी घर में कुछ ना कुछ पीड़ाएं चलती ही रहती है, जिससे होता यह है कि मन शांत नहीं रहता, चिड़चिड़ापन होता है, कभी कभी कुछ लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो जो लोग डिप्रेशन के नज़दीक जाते हैं उनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो चंद्र की कुछ स्थिति ठीक नहीं होती। तो चंद्र ये ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए और हमें चंद्रमा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम कौन सी साधना कर सकते हैं? अगर रात के समय हम चंद्र की साधना करते हैं और विशेषतः पूर्णिमा के दिन, तो पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र होता है, यानी हम अच्छे से चंद्र देख सकते हैं। पूर्ण चंद्र का दर्शन भी हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे फल देता है। तो अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन शुरू कर सकते हैं या फिर सोमवार के दिन शुरू कर सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि भगवान शंकर ने अपने मस्तक पे चंद्रमा को विराजमान किया है, यानी खुद हमारे भोलेनाथ ने भी चंद्रमा को अग्रस्थान दिया हुआ है। तो सोमवार के दिन भी आप ये साधना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 11 पूर्णिमा करते हैं चंद्र साधना, तो उससे आपके घर में अगर सुख नहीं है, शांति नहीं है, सदैव कोई बीमार रहता है या कुछ ना कुछ गड़बड़े चलती रहती है घर में, तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। अगर आपकी कुंडली में भी ग्रह की अनबन है या फिर चंद्र ग्रह की अनबन है तो उससे भी आपको अच्छे से फायदा हो सकता है। तो ये साधना हमें रात के समय करनी है, यानी रात के 10 बजे के बाद, जब हम चंद्र अच्छे से देख सकते हैं। आपका भोजन पूर्ण हो जाने के बाद 1 घंटे बाद हमें ये साधना करनी है। तो पूर्णिमा के दिन आप अपने घर के टेरेस पर बैठ के ये साधना कर सकते हैं या फिर गैलरी में बैठ के साधना कर सकते हैं। जहाँ से आपको अच्छे से चंद्रमा दिखते हैं ऐसी जगह चुनें, जहाँ पर शांत वातावरण हो ऐसी जगह चुनें। तो हमेशा हम अगर कोई अनुष्ठान करते हैं या फिर कोई साधना करते हैं तो हम पहले मंत्र साधना करते हैं और फिर उसके बाद भोग लगाते हैं, लेकिन चंद्र की साधना करते समय हमें पहले चंद्रमा को भोग लगाना है और उसके बाद हमें मंत्र साधना शुरू करनी है। तो चंद्रमा को हम कौन सी चीज़ भोग दिखाने वाले हैं? तो पके हुए चावल और उसके ऊपर थोड़ा सा दही, ये एक वस्तु का हम उन्हें भोग लगा सकते हैं, यानी दही और पके हुए चावल। अच्छे से छोटे चावल को अच्छे से उसको एक कटोरी में लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा दही डालिए और फिर आप अच्छे से देख सकेंगे ऐसे चंद्र की जो प्रकाश होता है उसके नीचे खड़े रहिए और फिर उसको अच्छे से भोग लगाइए। अगर चावल नहीं है आपके पास तो दूध शक्कर का भी आप भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का आप भोग चंद्रमा को दिखा सकते हैं। ज़्यादातर सफ़ेद चीज़ें चंद्रमा को अच्छी, क्योंकि उनका प्रकाश भी उतना ही शीतल और सफ़ेद होता है। तो दही चावल दिखाइए, दूध शक्कर दिखा सकते हैं या फिर कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई आप उनको भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हमें करना है, अच्छे से एक लोटे में जल लेना है। जल लेते समय उसमें 2-3 बूंदे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दूध आप उसमें डालिए। जैसे हम शंकर भगवान को दूध और पानी का चढ़ावा करते हैं, वैसे ही हमें चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ देने का भी अपना ही एक महत्व है। जैसे हम सूर्य को अर्घ देते हैं वैसे चंद्र को भी अर्घ दिया जाता है। तो मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया था कि अगर चंद्रमा को तुम अर्घ देना चाहती हो तो थोड़ा सा दूध
थोड़ा उसमें पानी लो और पानी में गुलाब की पंखुड़ियाँ डालना। गुलाब की पंखुड़ियाँ, पानी और थोड़ा सा दूध, ये तीनों चीज़ों का मिश्रण करके हमें चंद्रमा को अर्ध दिखाना है। ऐसी जगह अर्ध दीजिए कि वो पानी आपके पैर के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि हम उन्हें अर्पण कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जब हम अर्पण करते हैं तो उसे पैर लगाना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए ये चीज़ बताई गई है। तो अर्घ दिखाने के बाद आपको मंत्र साधना करनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चंद्रमा को देख के ही आपको करनी है मंत्र साधना। अगर आप अच्छे से देख सकते हैं तो आप देख के मंत्र साधना कीजिए, नहीं तो फिर आप चंद्रमा का दर्शन लीजिए और चंद्रमा का जो प्रकाश है उसमें बैठ के आप मंत्र साधना कर सकते हैं। कुछ लोग नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ के भी आप कर सकते हैं और आसन लगा के भी आप कर सकते हैं। तो जब आप ये शुरू करेंगे तो अगर आपके पास सफ़ेद रंग के वस्त्र हैं तो उसे परिधान कीजिए, अगर नहीं है तो जो भी आपके पास वस्त्र हैं लेकिन धुले हुए वस्त्र, यानी हमें पहले स्नान करना है उसके बाद हमें वस्त्र परिधान करने हैं, सफ़ेद रंग के हैं तो ठीक है, नहीं है तो परेशान नहीं होइएगा। जो भी आपके पास वस्त्र हैं उसे परिधान कीजिए, अच्छे से आसन लगाइए। माला कौन सी लेनी है तो आप कोई भी माला ले सकते हैं, स्फटिक की माला ले सकते हैं, हकीक की माला ले सकते हैं, तुलसी की माला ले सकते हैं, रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। जो भी माला आपके पास है उसके ऊपर आप चंद्रमा की साधना कर सकते हैं। तो कोई भी माला आप चंद्रमा की साधना करते समय ले सकते हैं। मंत्र कौन सा हमें बोलना है तो ओम चंद्रमसे नमः। काफ़ी अच्छा और छोटा सा मंत्र है चंद्रमा का, ओम चंद्रमसे नमः। ये मंत्र की साधना आपको एक माला से लेके आप 11 माला तक कर सकते हैं। आपको जितना संभव है, मैं एक माला कर सकता हूँ या मैं 3 माला कर सकती हूँ, मैं 5 कर सकता हूँ, लेकिन पहले आप डिसाइड कीजिएगा कि अगर आपको 11 पूर्णिमा करने हैं तो 11 पूर्णिमा आपको, अगर आप एक माला कर रहे हैं तो 11 पूर्णिमा एक ही माला कीजिए। ऐसे नहीं कीजिए कि पहले पूर्णिमा के दिन एक माला की है, दूसरे दिन 5 की है, तीसरे पूर्णिमा के दिन 11 की है, ऐसे नहीं कीजिए, क्योंकि एक अनुष्ठान ही हम कर रहे हैं। तो पूर्णिमा के दिन आप पहले ही पूर्णिमा के दिन आप निश्चय कीजिए कि मैं इतनी इतनी माला करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, और 11 पूर्णिमा उतनी ही माला कीजिए। तो ऐसे आप ये मंत्र साधना कर सकते हैं। मंत्र आप जोर से भी बोल सकते हैं या फिर अपने मन में भी उसको दोहरा सकते हैं। तो जैसे ही मंत्र साधना आपकी पूर्ण हो जाए उसके बाद आप अच्छे से अपना आसन इकट्ठा कीजिए। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम मंत्र साधना करना शुरू करेंगे तो अपने हर एपिसोड में मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने आसन को पहले नमस्कार कीजिए, उसे अच्छे से प्रणाम कीजिए, और उसके बाद आप अपने अगर गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र की साधना कीजिए, गणेश जी की साधना कीजिए, अपने कुल देवी की साधना कीजिए, और फिर उसके बाद आप ये चंद्र माँ की साधना कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि गणेश जी की साधना करनी है तो 11 बार गणेश जी का मंत्र बोलिए, 11 बार अपने गुरु का मंत्र बोलिए और 11 बार अपनी कुल देवी का मंत्र भी बोल सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, 11-11 बार करके भी आप चंद्रमा की साधना शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे ये 11 पूर्णिमा, अगर 11 पूर्णिमा आपको नहीं करनी है तो हर सोमवार के दिन आप ये चंद्र की साधना कर सकते हैं। जो लोग चंद्र ग्रह से कुछ पीड़ा अनुभव कर रहे हैं तो सोमवार के दिन विशेषतः शंकर भगवान को दूध और पानी का भी आप चढ़ावा कर सकते हैं। अच्छे से शंकर भगवान के मंदिर में जाइए, वहाँ पे उन्हें दूध और पानी का अभिषेक कीजिए और फिर देखिए कि आपको आपके जीवन में कितने अच्छे फल मिल रहे हैं, मन को कितनी शांति मिल रही है, घर में सुख समृद्धि आ रही है, जो भी पीड़ाएँ हैं वो सारी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। और सबसे ज़्यादा अगर आपको इसमें से फ़ायदा होने वाला है तो वो है आपके घर में अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। तो जब हम सूर्य ग्रह की एनर्जी लेते हैं तो वे काफ़ी उष्ण होती है, यानी गर्म होती है, तो जब हम चंद्र की एनर्जी लेते हैं तो वे काफ़ी शीतल होती है, जो हमें ठंडक देती है, हमारे मस्तिष्क को भी काफ़ी ठंडक देने वाला ऐसा ये चंद्रमा है। तो ये एनर्जी लेने के बाद हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन ये चीज़ करने से होगी। हर व्यक्ति ये कर सकता है, इसमें कोई धर्म है या यही जाति के लोग कर सकते हैं या कोई पुरुष ही कर सकता है या कोई महिलाएं ही कर सकती है या विधवा कर सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी व्यक्ति ये चंद्रमा की साधना कर सकते हैं। जितना मन लगा के करेंगे उतने ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, तो ये चीज़ आप करके देखिए। मैंने खुद की है
और इसके बहुत ही अच्छे से अनुभव मैंने लिए हैं। तो मुझे लगता है कि आप भी ये चीज़ कीजिए और आपको जो भी अनुभव आते हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि काफ़ी लोग इसका लाभ उठा सकें। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।